देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से जहां लोगों की कमर टूट रही है, वहीं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार बढ़ रहे दामों से लोग घबरा रहे हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल कहीं सोने के भाव न मिलने लगे। बढ़ती महंगाई पर आजमगढ़ में लोगों की क्या राय है, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। पहले ये आप देख लीजिए। आम लोगों पे देखिए पूरी तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस वक्त रोजी रोजगार का कोई जो है मुद्दा नहीं रह गया। लोग जो है भ्रष्टाचार महंगाई की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। इस सरकार में जिस तरीके से लोग त्रस्त हुए हैं वो किसी सरकार में नहीं हुए। मैं किसी भी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जिस तरीके से पिछली कांग्रेस की सरकार की बात मैं अगर करता हूँ तो 60 रुपये पेट्रोल था और 50 रुपये डीजल था। उस समय हमारी जो मंत्री जी हैं स्मृति ईरानी जी रोड पे निकल के, जितने और भी भाजपा के जितने भी नेतागण थे सब लोग रोड पे निकल के जिस तरीके से प्रदर्शन किए थे, और मोदी जी ने वादा किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम हम आधे कर देंगे, और आज की डेट में आप देख लीजिए किस स्तर पे पेट्रोल और डीजल पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, उनका कहना है कि यहाँ तो 95% लोग तेल नहीं यूज़ करते, इसमें तो बस राजनीति हो रही है। कैसे नहीं यूज़ करते, ये तो उनके समझने की बात है। अब वो नहीं यूज करते होंगे, लेकिन अब आम जनता ये गाड़ी घोड़ा देख लीजिए आप, तेल जो है कड़वा तेल देखिए कहाँ तक सरसों का तेल पहुँच गया है, 250 रुपया लीटर पहुँच गया है। आप देखिए कि जो है जो तेल सरसों का 60 रुपये में बिकता था आज की डेट में वो 250 रुपया लीटर तेल बिक रहा है। तो अब कुल मिला जुला के जो इस समय की स्थिति है कि हर आदमी, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, गरीब तबके का हो, हर आदमी इस सरकार से बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। बहुत ज़्यादा जनता एकदम परेशान है। आज लगातार चौथे दिन भी 35 पैसा बढ़ा है, क्या कहेंगे आप, इससे लगाम नहीं लग रहा है? हम काफ़ी परेशान हैं इस सरकार से और काफ़ी आहत हैं, और मजबूरी है लोगों का चलना, और पेट्रोल और डीजल का दाम घटना बहुत आवश्यक है। यदि ये घटेगा नहीं तो आने वाले चुनाव में काफ़ी परेशानी होगी सरकार के। क्या लगता है ये घटेगा आगे? हमें तो उम्मीद ये लग रही है कि जब चुनाव करीब आएगा तभी पेट्रोल और डीजल का दाम घटेगा, और चुनाव करीब 6 माह भी बाकी है और करीब 2 माह रह जाएगा उसके तब पेट्रोल का दाम घटेगा, नहीं तो हमें उम्मीद है कि 120-125 तक जाएगा। आजमगढ़ की जनता का मानना है कि सरकार बढ़ती महंगाई पर अगर रोक नहीं लगाएगी तो जनता सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। शहर में पेट्रोल 98 से लेकर के 104 रुपये प्रति लीटर मिलने लगा है, जिसके बाद से लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लोग बेहद ज़रूरी कामों के लिए ही अपनी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजमगढ़ से ABN समाचार के लिए राकेश वर्मा की रिपोर्ट।